नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक थोड़ा सारिया दा ज्योतिष ते सब तो खास ते पॉपुलर शो तुहाडे सितारे पीटीसी दे उत्ते तहे दिलों स्वागत करदी आं। अपने मेंटर, अपने गाइड, अपने फादर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी दी गाइडेंस नाल मैं डिस्कस करूंगी दिन दा पंचांग ते राशिफल। सब तो पहला अज दा पंचांग। अज 27 सितंबर 2024 ते दिन है शुक्रवार यानी फ्राइडे। कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी दोपहर के 1:23 तक। अज गणमूल नहीं है, अज पंचक भी नहीं है। गल करिए राहु काल दी ते दोपहर के 10:41 तो लैके दोपहर के 12:11 तक का समा जड़ा है वह राहु काल का है। एक होर इन्ना स्पेशियस टाइम जिन्हों की यमगंधम काल कहते हैं, जिदे विच भी कोई जरूरी काम करना हो, कोई इंपोर्टेंट डिसीजन लेना हो, जो अवॉइड कर दिता जाए तो बेहतर होंगे। आज समा रहेगा दोपहर के 3:11 तो लैके दोपहर के 4:41 तक। हूँ जो जरूरी काम करना है तो दिन का शुभ समा भी पता होना चाहिए, वही दस रही हूँ, जरूर नोट करना है। दिन का सब तो शुभ समा जड़ा है वह रहेगा दोपहर के 12:12 तो लैके दोपहर के 1:40 तक। हूँ गल करांगे राशिफल। एरीज यानी मेष राशि वाले आज कन्फ्यूजन दूर रखनी चाहिए है। वर्क प्लेस के उत्ते, ऑफिस फ्रंट के उत्ते कोई अचानक थोड़ा वड्डा डिसीजन लेना पै सकता है, तो जे माइंड कन्फ्यूजिंग रहा तो फिर ये डिसीजन किदा लोगे। डिसीजन जड़ा है इंप्रोमटू लेना है। जो भी कोई यहोजी कन्फ्यूजन का मौका आए तो जिन्होंने तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या थोड़े सीनियर्स के उत्ते जो तुम्हें कॉन्फिडेंस हैगा, अपने फैमिली मैंबरस नाल एक बार गलबात जरूर कर लियो। जो डिसीजन ले रहे हो उन्हें विच कॉन्फिडेंस मिलेगा। आउटिंग ते जान दी अज संभावना जड़ी है बन रही है। वीकेंड शो वाली जड़ी प्लानिंग है वो अज की जा सकती है। रियल एस्टेट सैक्टर नाल जुड़े हुए लोगों वास्ते भी अज का दिन खास नजर आ रहा है। बड़े फैसले कोई लेने हैं अपनी अपने रिलेशनशिप नू लैके या अपने लाइफ नू लैके, तो अपने लाइफ पार्टनर दी या अपने लव पार्टनर नाल जड़ा है विचार मशवरा करना जरूरी पड़ेगा। अज लक्की नंबर थोड़ा रहेगा 9, लक्की कलर रहेगा ब्राउन। तो तुसी उपाय की करने, हरी मूंगी दी दाल अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी क्षमता अनुसार किसी भी धर्म स्थल से जाके ले आने। टॉरस यानी वृषभ राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि सेहत को लेकर जिहड़ी परेशानी चल रही थी हुण दूर होएगी। सेहत अपनी भी ते घर परिवार सब दी ठीक ठाक नज़र आ रही है। पास्ट इन्वेस्टमेंट्स कोलों हुण पैसा जिहड़ा है हौली हौली करके आना शुरू होएगा। चंगे रिटर्न तुहानूं मिलने शुरू होणगे। वर्क प्लेस के उत्ते यानी ऑफिस फ्रंट के उत्ते कोई वड्डी जिम्मेदारी भी तुहानूं मिल सकती है। अज ओवरऑल जिहड़ा है मैरिटल लाइफ च खुशियां आंदियां होईयां नज़र आ रही हैं। बच्चों वालों भी कोई खुशखबरी तुहानूं सुनन नूं मिल सकती है। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 22, लकी कलर रहेगा ब्लू। तो तुसी उपाय की करना है, कोई किसी भी जरूरी काम से जाने तो पहला अपने घर के वड्डियां दे पैर छू के आशीर्वाद लेके फिर जाना। जेमिनी यानी मिथुन राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि अच्छी इन्वेस्टमेंट्स का, चंगी इन्वेस्टमेंट्स का अज तुहानूं मौका मिलेगा। कोई ना किसी शख्स कोलों वधिया फाइनैंशियल एडवाइस तुहानूं मिल सकती है, जिहड़े कि तुहाडे अपने फाइनैंसिस नूं मैनेज करन च तुहाडी मदद करेगा। ऑफिस विच ओवरऑल लाइट दिन रहेगा, कोई टेंशन वाला दिन नहीं है। मौज मस्ती जिहड़ी है रहेगी, चलते फिरते दिन जिहड़ा है निकल जाएगा। अच्छी कीमत के उत्ते प्रॉपर्टी नूं बेचना हुण मुमकिन है। कितने होर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो पैसे दे लैके टेंशन सी, अज पैसे का इंतजाम जरूर हो सकता है। अपने लाइफ पार्टनर की इमोशनल हैल्थ का खास ध्यान रखना इस वेले जरूरी होएगा। अज लक्की नंबर थोड़ा रहेगा 8, लक्की कलर रहेगा वाइट। तो तुसी उपाय की करना है, पक्षियों नूं पीले मिठे चावल पाना तुहाडे वास्ते रहेगा सब तो शुभ। कैंसर यानी कर्क राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं सेहत ते फिटनेस के प्रति हुण तुसी पहला नालों अटेंटिव फील करोगे। प्रमोशन मिलन के संकेत जड़े है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। इस करके जिन्नी यह डेस्परेशन सीगी ना कि भी मेरा काम नहीं बन रहा, मैनू ग्रोथ नहीं मिल रही, अज इहोजी फीलिंग्स तो तुहानूं आज़ादी मिल सकती है। घरेलू मामलों जिहड़ा है पेशेंस वाला दिन है, तुहानूं अपनी थोड़ी पेशेंस टेस्ट भी होएगी तो तुहानूं पेशेंस रखनी भी चाहिए है। अज जिहड़ा है अपना कोई नवी प्रॉपर्टी तुसी आने वाले समय च बुक करनी है, वो तो जुड़े हुए लोन तो जुड़े हुए कोई भी काम तुसी करने है वो उन्हें विच सक्सेस तुहानूं मिल सकती है। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 2, लकी कलर रहेगा येलो। तो तुसी उपाय की करना है, जरूरतमंद लोगों च जे खोए दे पेड़े वंडे जाण तो होर भी वधिया बन सकदा। लियो यानी सिंह राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि फाइनैंशियल फ्रंट के उत्ते सुधार वाली स्थितियां नज़र आ रही हैं। पैसे किसी तो लेने सीगे या किसी को देने सीगे, उन दोवें चीज़ों वास्ते समा जड़ा है वो ठीक नज़र आ रहा है। कलीग्स थोड़े वास्ते हेल्पफुल साबित होंगे, कि ना कि उन्होंने हेल्प नाल ही थोड़ा कोई पेंडिंग काम जड़ा है पूरा किया जा सकता है।
प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिसीजन लेना है तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी आज, बहुत सोच विचार करके एक एक एस्पेक्ट नूं ध्यान च रखते हुए फिर कोई डिसीजन लेना है। पार्टनर वालों अज जरूर कोई सरप्राइज मिल सकता है, बिजनेस फ्रंट पर भी दिन वधिया नज़र आ रहे हैं। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा एक, लकी कलर रहेगा मजेंटा, तो तुसी उपाय की करना, गऊ नूं गेहूं दी रोटी दे उत्ते गुड़ रख के खवाना थोड़े वास्ते रहेगा सब तो शुभ। वर्गो यानी कन्या राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि फिट रहने वास्ते डाइट नूं अपनाना पैना है, उन्हें डाइट विच चेंजेस भी हो सकते हैं, नवी कोई डाइट भी हो सकती है, पर जदों भी इहो जी कोई चेंजेस अपनी बॉडी नाल करने ने तो किसी नाल सलाह मशवरा करके फिर अगे वधना। प्रोफेशनल फ्रंट के उत्ते दिन तुहाडे वास्ते वधिया रहेगा, किसी की हैल्प जिहड़ी है तुहानूं मिल सकती है, पुराने यारा दोस्तों मिलकर जिहड़ा है तुहानूं कुल मिला के चंगा महसूस होएगा, पुरानी यादों नूं भी ताज़ा करन दा मौका मिलेगा। अज ओवरऑल मैरिटल लाइफ विच कोई प्रॉब्लम चल रही सीगी ते हुण उस प्रॉब्लम दा भी सोल्यूशन जरूर निकलेगा। अज लक्की नंबर थोड़ा रहेगा दो, लक्की कलर रहेगा ऑरेंज, ते तुसीं उपाय की करना है, किसी भी धर्मशाला च अगरबत्ती बाल्टी ते झाड़ू दा दान देना तुहाडे वास्ते रहेगा सब तो शुभ। लिब्रा यानी तुला राशि वाले वास्ते फाइनैंशियली अज स्ट्रोंग दिन नज़र आ रहा है, इनफैक्ट जिहड़ी फाइनैंशियल प्रॉब्लम्स चल रही सी तुहानू परेशान कर रही सी उन्हां तों अज तुहानू आज़ादी मिल सकती है। अज जिहड़ा है बिजनेस फ्रंट के उत्ते भी अपने काम नूं वधाउण वास्ते, जे स्पैशली कोई प्रोडक्ट नूं तुसीं बेचना है, किसी सर्विस नूं बेचना है, तो थोड़ा जिहा एडवरटाइजिंग ते प्रमोशनस वल ध्यान देना चाहिए। फैमिली नाल धर्म कर्म के कामां नाल जुड़न का मौका मिलेगा, किसी तीर्थ स्थल की यात्रा के योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ते रेनोवेशन जिन्हां दे घरे चल रही सीगी ते थोनों थोड़ा जिहा चीज़ां नूं मॉनिटर करना पैना है, सुपरवाइज करना पैना है, नहीं तो थोड़ी डेडलाइन तो डिले हो सकता है काम। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 18, लकी कलर रहेगा पर्पल, ते तुसी उपाय की करना है, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना थोड़े वास्ते रहेगा सब तो शुभ। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि सेहत को लैके थोड़े जे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, मिठिया मिठिया प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ने परेशान कर सकदियां ने, ओवरऑल परसनल ते प्रोफेशनल मामले च दिन तुहाडे वास्ते लकी साबित होएगा। अज जिहड़ा है विदेश तो जुड़िया होया कोई काम कंप्लीट हो सकता है, जिहड़े लोकी विदेश ट्रैवल कर रहे हैं उन्हां वास्ते भी समा काफ़ी इंट्रस्टिंग नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिसीजन जिहड़ा पेंडिंग चल रहा सी वो भी अज लिता जा सकता है। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 4, लकी कलर रहेगा सैफरन यानी केसरिया, ते तुसीं उपाय की करना है, अपने राइट हैंड विच जे पीले रंग दा धागा या पीले रंग दा रिस्टबैंड तुसीं पा के रखो ते दिन होर भी वधिया बन सकदा। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि अपने रूटीन विच अपनी सेहत को टाइम देना, एक्सरसाइज रूटीन देना, थोड़ा जा फिजिकल एक्टिव रहना जरूरी है। अज जिहड़ा है ट्रांसफरेबल जॉब्स जिहड़े ने उन्हां दे ट्रांसफर तो जुड़ी हुई खबर का मूवमेंट हुण होना शुरू होएगा, कोई ना कोई पुश्तैनी जमीन कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिहड़ी है वह तो जुड़िया हुआ फैसला भी कोई अज लैना पै सकता है। तो अज जिहड़े है पार्टनर थोड़े जे तुहाडे इमोशनल महसूस करनगे, सेंसिटिव महसूस करनगे, इस करके किसी भी गल नूं मजाक च कहण तां अज परहेज करना। अज लकी नंबर तुहाडा रहेगा 7, लकी कलर रहेगा सिल्वर, ते तुसीं उपाय की करना है, श्री दुर्गा कवच का पाठ करना तुहाडे वास्ते रहेगा सब तो शुभ। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि जिन्हां की सेहत ठीक नहीं चल रही, बीमारी नूं लैके तुसीं परेशान चल रहे सी, ते हुण तुहानूं मुस्कुराना चाहिए क्योंकि अज का दिन सेहत ठीक नज़र आ रही है। जिहड़े लोग नवी जॉब की तलाश च ने, ब्रेक तो बाद नौकरी दोबारा शुरू करनी है, अज का दिन तुहाडे वास्ते भी काफ़ी लकी रहेगा। घरें जिहड़ा है कोई चीज़ नूं कोई मेंटेनेंस कोई रिपेयर कोई जिहड़ा है रेनोवेशन प्लान की जा सकती है, उहदे वास्ते बजट या कोट्स जिहड़े है अज लिते जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर अपनी इमोशंस नूं अपनी फीलिंग्स नूं तुहाडे नाल सांझा करनी चाहणगे, इस करके जरूर अवेलेबल रहना। अज लकी नंबर थोड़ा रहेगा 3, लकी कलर रहेगा क्रीम, ते तुसीं उपाय की करना है, किसी भी जरूरतमंद शख्स नूं अपनी श्रद्धा अनुसार सरों दे तेल दा दान देना तुहाडे वास्ते रहेगा सब तो शुभ। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल नूं अपनाने वास्ते, अपने हेल्दी रूटीन नूं अपनाने वास्ते हुण तुसीं एफर्ट्स करने शुरू करोगे। जे शॉर्टकट अप्लाई किए फिर रिजल्ट भी शॉर्ट ही आने, जे करता और तसली नाल अपने आप नूं इंप्रूवमेंट वल लैके जाना है तो फिर एक ट्रेडिशनल अप्रोच अपनानी जरूरी है। कितने फसे हुए पैसे जिहड़े हैं अज मिलन दे संकेत नज़र आ रहे हैं, तुसीं पैसे कितने रख के भुल गए सी वह भी तुहानूं मिल सकते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट के उत्ते अज चैलेंजेस भरिया दिन हो सकता है, बॉस का मूड हो सकता है थोड़ा जिहा उखड़िया होया होवे, इस करके लो प्रोफाइल होकर चलन की समझदारी रहेगी। घर दिया कोई फैमिली मैंबर जिहड़ा है वह तुहाडे नाल अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज शेयर करन वास्ते भी अपनी रिक्वेस्ट या फिर अपनी इच्छा जिहड़ी है जाहिर कर सकते हैं।
ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 6, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਪੀਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨੇ? 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ, 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਮੀਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਤੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ 2, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਗੋਲਡਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।